फिर रास्ते के बीच में आ गई है सस्ती सी रिवर क्रॉसिंग, कुड़की मार की और दोनों एडियो को जोड़ के बैठे। तो फ्रेंड्स कुछ दिख रहा है आप लोगों को? लिटरली बताओ दोस्तों, ये जगह बिल्कुल जन्नत है। सो हे गाइज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर में बिल्कुल सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स बात इतनी सी है कि मुझे बहुत ज़्यादा नेचर से प्यार है, तो मैं ऐसी यूनिक जगह जो कि बिल्कुल हिडन है उनको खोज के एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नेचर से ना प्यार हो। तो आज हम ऐसी एक जगह आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर में है और एकदम गाँव में पड़ती है। आप एक बार व्यू देख लो पीछे, आपको कैसा व्यू दिखेगा। चारों तरफ सारे तरफ कच्चे घर, एकदम गांव वाला इलाका, एकदम हिडन जगह ये। तो आज हम और आप दोनों मिलके एक्सप्लोर करेंगे इस नेचुरल प्लेस को और यहाँ की वाइल्ड लाइफ को। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो समय को नहीं बर्बाद करते, करते इस ब्लॉग को शुरू। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स एक्सप्लोर। 3, 2, 1 गो। और तेरी रास्ते के बीच में आ गई है सस्ती सी रिवर क्रॉसिंग। आप देख सकते हो व्यू, कोई है भी नहीं। तो गाइस ये तो अलग पोपट हो गया। हम लोग आए थे इतनी दूर घूमने और ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंद है। हम लोग आए थे कैमूर वन जीव विहार घूमने, जिसको ब्लैक बक सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। हम सोचे थे आएंगे आपको यहाँ पे नेचुरल व्यू दिखाएंगे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिखाएंगे, लेकिन कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये बंद है ऐसा लोग बता रहे हैं अगल बगल। तो क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। तो पहले यहाँ के आप सिनेमैटिक शॉट्स देखिए, उसके बाद हम तो चलते कोई और जगह पता करते हैं, कोई ब्यूटीफुल प्लेस जो कि अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत ही रूरल एरियाज़ में, उनको पता करते हैं फिर वहाँ पे लेके चलते हैं आपको। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, एंजॉय करिए सिनेमैटिक शॉट्स को। तो होप गाइस आपको मज़ा आया होगा यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स देख के। तो अब हम लोग चलते हैं कहीं और, कोई और लोकेशन पे चलते हैं, पता करते हैं और आपको लेके चलते हैं वहाँ पे, जिससे कि ये व्लॉग अधूरा ना रहे। यार भाई मूड ख़राब हो गया यार, क्या इतनी दूर आ गया और उसके बाद यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सब बंद है, अब कहीं और चलना पड़ेगा। तो भाई इसको कहते हैं ट्रू इंडिया और प्योर इंडिया। अब ये सारी चीज़ें आपको शहर में देखने को नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको बहुत कम YouTube पे भी देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स आप सामने देख सकते हैं बैल से हो रही है खेतों की जुताई। कितना ही मुश्किल होता गांव का जीवन, ऐसे खेती करना फिर उसके बाद उसको उगाना और हम तक पहुंचाना। छोटे बच्चे और छोटी जगह, इनकी यही एक ख़ास बात होती है, ये लोग छोटी छोटी चीज़ों में कितने ज़्यादा खुश रहते हैं। हम लोग इतनी सारी चीज़ों के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रहती है। मस्त इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे पानी में। रोज इसी में नहाते हो? रोज ही नहाते हो? भाई कुछ भी को बहुत ही सूदिंग प्लेस था ये, मजा आ रहा था एकदम गांव के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल। लेकिन अब कुछ खास और है नहीं दिखाने के लिए, तो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और। तो फ्रेंड्स आज मॉनसून भी साथ नहीं दे रहा, देख लो कितनी बारिश हो रही है। मौसम तो मस्त है लेकिन अब हम लोग कहीं और नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे हट के नीचे छुपे हुए हैं। तो अब बारिश धीमी होती है तो फिर कहीं और चलते हैं। तब एंजॉय करिए यहाँ के खेतों के व्यू को। सामने देखो गांव का जीवन कितना संघर्षशील है,
ना अच्छे घर ना कुछ, लेकिन तब भी लोग खुश रहते हैं। और इनको देखो कैमरा लवर। तो फ्रेंड्स बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है और रुकने वाली नहीं है, तो जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम लोग कुछ मस्ती लेते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञान की बात तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे सरकार प्रचार करती है वैसे हम भी करते हैं कि अगर बारिश का मौसम हो और बिजली गिरने की आशंका हो तो किसी भी पेड़ के नीचे नहीं और कोई भी मेटल की चीज़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, और जहाँ भी रहें आप नीचे बैठ के कुड़की मार के और दोनों एड़ियों को जोड़ के बैठें, इससे बिजली के प्रभाव से बचने की संभावना ज़्यादा होती है और मरने के चांसेस कम। तो आपको ही मज़ा आएगा ऐसे करके। तो बताओ फ्रेंड्स, पता नहीं किसके जानवर हैं, यहाँ खुले में बांध दिया, बारिश हो रही है तेज, इधर गौ माता उधर बच्चा, कम से कम एटलीस्ट इसमें बांधते तो सेफ तो रहते सब। अब बारिश में भीग रहे हैं और लोगों का कुछ पता ही नहीं है, क्यों करते हैं ऐसा लोग। तो फ्रेंड्स अब बारिश बंद हो चुकी है एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक नाउ, तो चलिए चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं घूम पाए, लेकिन अभी एक और जगह का पता लगा, हम लोग जा रहे हैं लेकिन वो जगह यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मौसम बढ़िया है तो निकल चले। तो आप पीछे एक बार ज़रा व्यू देखो कि क्या है, रोड व्यू एक बार ज़्यादा देखो जाने का, तो क्या ज़बरदस्त रोड व्यू है। इससे मन कर रहा है कि आगे बढ़ते चले, लेकिन टाइम जो हो गया वो 2 बज गए करीबन, अब हमें जल्दी जाना होगा वहाँ पे, जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करना होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स लगातार 1 घंटा लगातार बाइक चलाने के बाद भी अभी तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे, हालत ख़राब हो गई, रोड यहाँ की बहुत बेकार है क्योंकि इंटीरियर का इलाका है, और जो ऐसी चीज़ें होती है ना वो हमेशा इंटीरियर में ही होती है। अगर आपको नेचर और ब्यूटीफुल और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस देखने हैं तो आपको इंटीरियर में ही जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं और ये हरे भरे खेतों का मज़ा ले रहे हैं, तो आप भी एंजॉय करिए इस व्यू को, फिर चलेंगे आगे। दूर दूर तक हरे खेत, मस्त व्यू एकदम। तो फ्रेंड्स हमको जाना है यहाँ पे, यहाँ पहुँचने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, अगर लोग इसके नाम को जानते होंगे तो इस जगह के बारे में भी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो वीडियो में देख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ का व्यू देखो कितना खतरनाक है, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल और बहुत ही ज्यादा फ्लो है। नहीं